इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा का नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि उस जमाने में भी वो एलोवेरा का जेल अपनी स्किन पर लगाती थी अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लिटिल ग्रीन हाउस। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्लांट्स का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि अगर आप गार्डनिंग चाहे नहीं भी करते हों पर वो आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। उनमें से एक नाम एलोवेरा का भी है। क्यों? क्योंकि इतने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं कि चाहे हम बालों के बारे में बात करें, चाहे स्किन की हेल्थ के बारे में बात करें या फिर अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में बात करें, मतलब गुणों का जो है खजाना है ये। तो ये जो एक प्लांट है ना, ये मुझे लगता है कि हर घर में ज़रूर होना चाहिए। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई केयर नहीं मांगता है। तो अगर आप गार्डनिंग नहीं भी करते हैं ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये एक प्लांट आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। और अगर आप मेरी बात मान के ये प्लांट ले आए हैं या आपके पास ये प्लांट पहले से है, तो उसकी पूरी केयर कैसे करनी है उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। तो पहली जो कॉमन प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है वो ये होता है कि कई बार जो इसकी लीव्स हैं वो नीचे झुक जाती हैं, लीव्स ड्रूपी हो जाती हैं। उसका जो मेन कारण होता है वो ये है कि इसको अच्छी मात्रा में लाइट ना मिलना। देखिए, एलोवेरा को डायरेक्ट सनलाइट में हमें कभी भी नहीं रखना है, इसको हमें ब्राइट लाइट में रखना है। जिस भी जगह पे पूरे दिन की ब्राइट लाइट आती हो, हमें इसको वहीं पे प्लेस करना है। अगर आप इसको अंदर भी रखते हैं तो उस रूम में ही रखिए जहाँ पे पूरे दिन की नेचुरल ब्राइट लाइट आती हो। दूसरी जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम इस प्लांट में देखने को मिलती है ना, वो ये है कि इसकी जो लीव्स हैं वो या तो पीली पड़ जाती हैं या थोड़ी ब्राउनिश दिखने लग जाती हैं। ऐसा तब होता है जब हम इस प्लांट को ज़्यादा पानी दे रहे हैं। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि एलोवेरा जो है वो एक टाइप का सकुलेंट है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा कम पानी डालेंगे, मतलब अगर कभी कभी पानी डालना भूल भी जाएंगे ना, तो भी ये हमें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा पानी देंगे तो माफ़ करना मुश्किल है। तो बेटर अप्रोच क्या है कि हमें जब लगे कि मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो रही है तभी हम इसको पानी दें, अदरवाइज पानी ना दें। अब हमने ओवर वाटरिंग की बात की है, तो अंडर वाटरिंग की बात करना तो बनता है। अगर आपके एलोवेरा के प्लांट की जो लीव्स की टिप है वो आपको ब्राउन दिख रही है, सिर्फ टिप की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो टिप आपको ब्राउन दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो प्लांट है उसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी नहीं हो रही है, वो अंडर वाटर है। अब बात करते हैं कि अगर ये प्लांट आप घर में लगाने के लिए लेके आए हैं तो जो पॉट का सिलेक्शन है वो आपको कैसे करना है। तो जो पॉट का सिलेक्शन है वो आपको इस तरीके से करना है कि वो साइज जो है वो बहुत बड़ा ना हो। मेनली इसको जो है छोटे साइज के पॉट पसंद है, मतलब कि इसको कम जगह पसंद है, उसमें ये अच्छे से ग्रो करता है। तो जो आप ये देख रहे हैं ये 6 इंच का पॉट है और एक 9 इंच का पॉट है। तो डिपेंडिंग कि आपका पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके हिसाब से आप पॉट का साइज चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप शुरू में लगाएंगे तो आप छोटे पॉट में ही लगाएं। ये जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं ना, ये मैंने एक 6 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और आप देख रहे हैं कि इसमें नई नई ग्रोथ निकल के आ रही है, मतलब अच्छे से ग्रो कर रहा है। और मैं इसको यूज़ भी कर लेती हूँ, आप साइड में लीव्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कटी हुई हैं और साथ ही में इसमें नए नए बेबी प्लांट भी ग्रो कर रहे हैं। तो जब आपके प्लांट में ऐसे बेबी एलोवेरा प्लांट आपको दिखे तो इसका मतलब है कि आप उनको वहाँ से निकाल लें और नए प्लांटर में प्लांट कर दें तो वो अच्छे से ग्रो करने लग जाएंगे। तो मेरे जो दोनों प्लांट हैं ना, इसमें बेबी एलोवेरा के प्लांट मुझे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया है कि मैं इनको यहाँ से निकाल के एक नए प्लांटर में प्लांट कर दूँ। अच्छा, जब हम इसको नए प्लांटर में प्लांट करेंगे ना, तो हमें इसकी जो सॉइल है वो बहुत अच्छे से बनानी है, बहुत ध्यान रखना है कि किस तरह की सॉइल इसको चाहिए। अगर सॉइल मिक्स अच्छा होगा तो प्लांट अपने आप ही हेल्दी रहेगा और वो अच्छे से ग्रो भी करेगा। जब आप इन छोटे पप्स को प्लांट में से निकाल रहे होंगे ना, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं इनको निकालने के लिए वो अच्छे से सैनिटाइज हो, वरना जो प्लांट है ना वो ख़राब हो सकता है। तो जितनी भी नई ग्रोथ मेरे प्लांट्स में आई हुई थी ना, मैंने वो सारी निकाल ली है और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अभी मुझे इनको नए पॉट में प्लांट करना है और उसके लिए मुझे मिट्टी तैयार करनी है। तो जो मिट्टी हम तैयार करेंगे ना, उसमें हमें ये मेक श्योर करना है कि वो बहुत ड्रेनी हो, मतलब कि पानी ना उसमें रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कोकोपीट का यूज़ करना है। अगर कोकोपीट नहीं है तो हम रेत का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कोकोपीट लिया है और गार्डन सॉइल लिया है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो आप 50% तक गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% तक कोकोपीट ले सकते हैं और 20% वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं।
अच्छा, इस पॉइंट पे हमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हम पॉट लेंगे इसको प्लांट करने के लिए, उसमें जो होल्स होंगे ना, हमें उसको किसी स्टोन से बंद नहीं करना है, मतलब कोई स्टोन्स नहीं रखने हैं। सीधा जो हमने पॉटिंग सॉइल लगाई है वो हमें डाल देनी है, और उसके बाद जो हमारी ये ग्रोथ है ना, उसको हमें 1.5-2 इंच तक अंदर डीप डाउन सॉइल में डाल देना है, और उसके बाद उसको अच्छे से मिट्टी डाल के अच्छे से प्रॉपरली लगा देना है। लगाने के बाद एक और चीज़ पे जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि जब हम इसको पानी देंगे ना, तो हमें पानी अच्छे से देना है। जब फर्स्ट टाइम हम इसको पानी देंगे तो हमें अच्छे से पानी देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी जो इसकी सॉइल है नीचे तक वो अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। लेकिन उसके बाद जब हम इसको पानी देंगे तो हम रेगुलरली पानी नहीं देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सिर्फ हम तभी पानी देंगे जब हमें लगेगा कि थोड़ी थोड़ी सी जो इसकी सॉइल है वो ड्राई हो गई है, थोड़ी सूख रही है, सिर्फ तभी पानी देंगे हम इसको। तो देखिए कितना आसान है इसकी केयर करना। और अगर आप एक पौधा ले आए हैं तो उसके बाद आप उसी पौधे से और पौधे भी बना सकते हैं, कि मतलब इसको मल्टीप्लाई भी करना कितना ईजी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।